हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम सेकंड लेक्चर देखने जा रहे हैं कंपनी अकाउंट्स का। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था हमने हमने देखा था टाइप्स ऑफ कंपनीज, फिर हमने टाइप्स ऑफ शेयर्स देखे थे। आपको ध्यान होगा प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर में कौन कौन से शेयर्स देखे थे, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, ठीक है ना, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। कंपनीज में भी हमने बहुत सारे अलग अलग कंपनीज देखी थी, गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, ओपीसी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। तो इनके फीचर्स आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल भी हमने देखा था, ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल को और क्या कहते हैं, याद होना चाहिए आपको, है ना। ये सारी चीज़ें बिल्कुल टिप्स ऑफ फिंगर पे होनी चाहिए आपके। तो ऑथराइज कैपिटल को क्या कहते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल कहाँ पे लिखा रहता है, एमओए में लिखा रहता है, ठीक है ना। और उसके बाद ऑथराइज कैपिटल ऐसा कैपिटल है जो कि फ्यूचर रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए डिसाइड किया जाता है, और इशूड कैपिटल वो कैपिटल है जो कि अभी की जरूरत को ध्यान में रखते हुए डिसाइड किया जाता है, ठीक है ना। तो सब याद होगा आपको, इशूड क्या होता है, अनइशूड क्या होता है। एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इशूड कैपिटल इज इक्वल टू सब्सक्राइब्ड कैपिटल प्लस अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल, इज इट ट्रू और फॉल्स। तो ये आपको अगर समझ में आ गया है कि इशूड कैपिटल क्या है, सब्सक्राइब क्या है, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत आपको जाएगी। अच्छा, ये सीधा सीधा देंगे ऐसा भी जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे पूछ सकते हैं कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज इक्वल टू, ध्यान देना, सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज इक्वल टू कॉल्ड अप कैपिटल माइनस अनकॉल्ड कैपिटल, या फिर मैं बोलूं कि कॉल्ड अप कैपिटल इज इक्वल टू सब्सक्राइब कैपिटल माइनस अनकॉल्ड कैपिटल। अब इसमें से कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, वो आप खुद दिमाग लगाइए, ठीक है। तो ये चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए, यहाँ पे कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो अब जैसा कि मैंने कहा था कि आज की जो क्लास रहेगी इसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बेसिकली हमको यहाँ पे ये देखना है कि हम शेयर्स इशू कर रहे हैं। अकाउंटिंग बेसिकली जो हमको सीखनी है वो शेयर्स की सीखनी है, कि शेयर्स इशू कर रहे हैं या डिबेंचर इशू कर रहे हैं, तो उनकी अकाउंटिंग कैसे होनी चाहिए, ठीक है ना। ना कि नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन की अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो शेयर इशू किए तो उसके लिए अलग प्रकार की एंट्रीज होती हैं, क्योंकि अभी तक हमने देखा नहीं। अभी तक क्या होता था, सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ओनर जो है कैपिटल लेके आ जाता था, लिख देते कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। पार्टनरशिप में दो तीन पार्टनर है, वो लेके आ जाते थे तो लिख देते कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल, ऐसे लिखते थे, है कि नहीं। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप पब्लिक से पैसे ले रहे हो। किससे पैसे ले रहे हो, पब्लिक से पैसे ले रहे हो, और कोई एक व्यक्ति नहीं है, कोई 20 व्यक्ति, 15-20 व्यक्ति या 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति नहीं है, जैसा कि पार्टनरशिप में होता है। यहाँ तो पब्लिक कंपनी में तो कितने भी लोग हो सकते हैं। अब उनसे यदि हम पैसे ले रहे हैं तो किस प्रकार से अकाउंटिंग करेंगे, कौन कौन सी बेसिक टर्म्स हमको यहाँ पे सीखने मिलेंगी, सारे आपको दिमाग में रखना है, ठीक है ना। तो अब जब आप पब्लिक से पैसे ले रहे हो, आप शेयर्स इशू कर रहे हो, प्रॉस्पेक्टस इशू कर रहे हो। प्रॉस्पेक्टस मालूम है किसको कहते हैं, जब आप शेयर्स इशू करते हैं तो एक फॉर्म होता है जिसमें कंपनीज की पूरी डिटेल रहती है, पास्ट रिकॉर्ड रहते हैं, ठीक है, बहुत कुछ रहता है। मतलब वो 150-200 पेजेस का एक पूरा आप कह सकते हैं कि कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन रहती है। कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है उस सेक्टर की भी पूरी डिटेल रहती है। कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड क्या है ना, और क्या क्या उसमें रिस्क हो सकते हैं, ये सारी चीजें उस प्रॉस्पेक्टस में दी होती है। कंपनी का एक शेयर कितने में इशू किया जा रहा है वो भी लिखा रहता है, सारी चीजें रहती हैं, ठीक है ना। तो आजकल हालांकि अब ट्रेंड चेंज हो गया है, यदि मैं देखूं कि आज से अगर 15-17 साल पहले मैं देखता हूं, तो पहले सिस्टम यही हुआ करता था कि मेरे को भी जब आईपीओ में अप्लाई करना रहता था तो वो प्रॉस्पेक्टस आप देख लो, एक फॉर्म मिलता था, वो फॉर्म फिल करो, साथ में आप चेक लगा दो, इस तरीके से आपको शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ता था। मगर अब ऐसा नहीं होता है, अब सारी की सारी चीजें क्या हो गई हैं, डिजिटल हो गई हैं, ऑनलाइन हो गई हैं। पहले शेयर्स भी आपको क्या मिलता था, एक सर्टिफिकेट मिलता था,
वो सर्टिफिकेट ही आपको शेयर सर्टिफिकेट प्रूफ होता था कि आप जो है आपके पास ये शेयर्स हैं, मगर अब उसको भी क्या कर दिया है, डीमटेरियलाइज कर दिया है। आपका एक डीमैट अकाउंट होता है, खोलना पड़ता है यदि आपको शेयर्स खरीदना है। तो आप क्या करते हो, आप अपने अकाउंट से ही अप्लाई कर देते हो शेयर्स के लिए, और यदि आपको शेयर्स अलॉट होते हैं तो सीधे आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं, ठीक है ना। मगर अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें हमको पढ़नी पड़ रही हैं जो कि पहले के ज़माने में हुआ करता था, इंस्टॉलमेंट में पैसे लेते थे, वो सारी चीज़ें अब जो सिलेबस में है वो हमको पढ़ना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पे अगर हम पहले के ज़माने से चलें तो वहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं अगर आप शेयर इशू कर रहे हैं। पहली पॉसिबिलिटी है कि आप पैसे एक साथ ले लें, जिसे हम कहते हैं लमसम, और दूसरा है पैसे आप किश्तों में ले लें, इंस्टॉलमेंट में ले लें, ठीक है ना। तो ये दो तरीके होते हैं। लमसम तो बड़ा सिंपल हो जाता है, उसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना ही नहीं पड़ता है। दिमाग थोड़ा बहुत जो लगाना पड़ेगा वो किस में लगाना पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट्स में लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अधिकतम 4 इंस्टॉलमेंट आमतौर पे आपको देखने को मिलेंगी। पहली इंस्टॉलमेंट आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन, इसको हम कहते हैं एप्लीकेशन मनी। दूसरी इंस्टॉलमेंट को हम कहते हैं अलॉटमेंट मनी। तीसरी है फर्स्ट कॉल मनी और चौथी है सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी। तो आमतौर पे अगर चौथी इंस्टॉलमेंट नहीं होती है, अगर थर्ड इंस्टॉलमेंट में ही पूरा अकाउंट सेटल हो जाता है, पूरे पैसे मिल जाते हैं, मतलब आप 3 ही इंस्टॉलमेंट यदि रखते हैं तो थर्ड इंस्टॉलमेंट को हम बोलेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब यहाँ पे 4 इंस्टॉलमेंट हैं तो जो भी लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी, मान लो थर्ड है या फोर्थ है, तो अगर थर्ड है तो हम फर्स्ट एंड फाइनल कहेंगे, और यदि फोर्थ है तो सेकेंड एंड फाइनल कहेंगे, ठीक है। अब देखिए, हाँ अब अपन आते हैं अकाउंटिंग प्रोसीजर को, देख लीजिए एक बार अच्छे से। सबसे पहले आप जब पब्लिक को कहते हैं कि भाई हमको आप अप्लाई कीजिए शेयर्स के लिए और हम आपको शेयर्स देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपके पास पैसे आते हैं, आप देख सकते हो स्टेप 1 क्या लिखा हुआ है, रिकॉर्ड द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी। हालांकि आपने सब 12th में पढ़ा होगा, फिर भी मैं आपको स्क्रैच से बता रहा हूँ, ठीक है, कि इन केस आपके बेसिक्स थोड़े से भी हिले हुए हैं तो वो क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला है रिकॉर्ड द रिसिट ऑफ एप्लीकेशन मनी। तो इसकी एंट्री क्या होती है, अभी ध्यान देना, आपने जैसे 11th में पढ़ा है तो 11th में ओनर पैसे लेके आता है, अपन एंट्री कर देते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ऐसे ही करते हैं। यहाँ पे भी जो शेयर होल्डर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अब वो मालिक होंगे या नहीं होंगे, यदि मैं किसी कंपनी का शेयर होल्डर हूँ तो मैं बाकायदा उतने हिस्से का मालिक हूँ। शेयर का मतलब ही होता है हिस्सा, शेयर का यदि हिंदी अनुवाद करेंगे तो क्या मतलब है, हिस्सा। तो यदि मैं शेयर होल्डर हूँ मतलब उतने हिस्से का होल्डर हूँ, उतने हिस्से का मालिक हूँ मैं, गेटिंग माई पॉइंट। तो अब यहां पे यदि मैं शेयर्स के लिए अप्लाई करता हूं तो क्या यहां पे हम एंट्री नहीं कर सकते हैं कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर अप्लाइंग फॉर दैट हिस्सा, आपको मिला नहीं है, यू आर अप्लाइंग, तो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा इट डिपेंड, ठीक है ना। तो इसीलिए हम यहां पे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल सीधे सीधे नहीं लिख सकते, हमको पहले लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, अब कोई एक व्यक्ति अप्लाई नहीं कर रहा है, ध्यान रखना बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो हम क्या एंट्री करेंगे, क्या हम हर एक व्यक्ति की अलग अलग जनरल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे क्या। 1 लाख लोग अगर हम अप्लाई कर रहे हैं शेयर्स के लिए तो इन 1 लाख लोगों की जनरल एंट्री पास करेंगे क्या, कैश अकाउंट डेबिटेड टू रमेश, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सुरेश, नहीं, अगेन इट इज नॉट मटेरियल। तो हम क्या करेंगे, ये रमेश, सुरेश, राम, राजेश, मुकेश, सुनील, जितने भी लोग हैं इनका अलग अलग नाम लिखने की बजाय हम एक ही नाम लिखेंगे और वो नाम होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या नाम होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो हमारी सबसे पहली एंट्री अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं,
बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये सबसे पहली एंट्री, ठीक है। ये मैं अज्यूम कर रहा हूं कि एक से ज्यादा इंस्टॉलमेंट में पैसे आ रहे हैं, उस केस में क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब क्या होता है, ध्यान देना, अब यहां पे आप शेयर अलॉट करेंगे, डिपेंड करता है कैसे, किस बात के ऊपर डिपेंड करता है, समझने की कोशिश करना आप। क्या होता है, मान लो कि मैं शेयर इशू कर रहा हूं 1,000, ठीक है, और मेरे पास एप्लीकेशन आ गए 2,000 शेयर के, हाँ या ना, तो क्या मैं सबको शेयर दे पाऊंगा? नहीं, इसको कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। यदि 1,000 शेयर में इश्यू कर रहा हूं और 1,000 से ज्यादा का मेरे पास एप्लीकेशन आता है, तो मैं इसको कहूंगा ओवर सब्सक्रिप्शन, और मैं सबको नहीं कर सकता हूं शेयर अलॉट। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, एक लकी ड्रॉ निकालेंगे, और लकी ड्रॉ में जिस जिसका नाम आएगा उसको मैं शेयर अलॉट कर दूंगा, ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। तो जब हम शेयर अलॉट कर रहे हैं, तभी तो हम उसको हमारी कंपनी में हिस्सा दे रहे हैं, तब हम शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर सकते हैं। सर नहीं समझ में आया बेटा, 11th में हम क्या देखते थे, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, पैसा आया और कैपिटल भी बढ़ा, तो यहां पे भी तो अल्टीमेटली करना वही पड़ेगा ना, मगर पहली पहली एंट्री में नहीं कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हमको नहीं मालूम है कि हमारे पास कितने एप्लीकेशन आए हैं, सबको थोड़ी ना हम शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर देंगे, तो उसमें से जिसको हम शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे उसके लिए अलग एंट्री पास करेंगे, उसको हम कहते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर। तो हमारी अगली एंट्री क्या होगी, मैं एक बार लिख के बता देता हूँ इनकेस आपको कोई कंफ्यूजन होता है। तो देखो यहाँ पे पहली पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। ये शेयर एप्लीकेशन क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो इट इज पर्सनल इन नेचर, क्योंकि ये व्यक्तियों के नाम लिखने की बजाय हम उन ग्रुप ऑफ पीपल की जगह हम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर इन लोगों को जब हम शेयर कैपिटल में जगह देंगे, मतलब वी आर अलॉटिंग देम द शेयर, तो वी विल पास द एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आप देखो क्या हुआ, शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट, शेयर एप्लीकेशन डेबिट, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट विल बी क्लोज एंड अल्टीमेटली अवर एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आया ना, समझ में आई बात? तो ये 11th का ही बेसिक यहाँ पे अप्लाई हो गया ना, मगर एक साथ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, उसका कारण मैंने अभी अभी आपको बताया, क्योंकि हम शेयर इशू करेंगे नहीं करेंगे, हमको अलॉट करेंगे या नहीं करेंगे हमको नहीं मालूम है। तो यदि पूछा जाए व्हाट इज द जनरल एंट्री फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर, तो ज्यादातर स्टूडेंट गलत लिख के आएंगे, वो ये वाली एंट्री लिख के आएंगे जो कि आपने यहाँ पे पढ़ी होगी 12th में, आपने यहाँ पे जो एंट्री पढ़ी थी ना वही स्टूडेंट लिख के आएंगे, उनको लगता है कि दिस इज द एंट्री फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर। नो, फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर द एंट्री इज दिस, दिस इज फॉर मेकिंग द अलॉटमेंट मनी ड्यू, हिटिंग माय पॉइंट। तो ये समझ में आया, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, मतलब उसको शेयर एप्लीकेशन को बंद करके अब शेयर कैपिटल में जगह दे दी। तो यदि आप बैलेंस शीट में देखेंगे, अगर हम वही ट्रेडिशनल बैलेंस शीट देखें, तो जो हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट है उसमें आप देखोगे तो एक तरफ बैंक दिखेगा, दूसरी तरफ शेयर कैपिटल दिखेगा, हाँ या ना। अब अलॉटमेंट मनी को ड्यू करना है, ड्यू करने का मतलब क्या, देखो पहले किश्तों में पैसा आता था, मैंने जैसे कि आपको बताया, तो बकायदा क्या होता था, जब दूसरी इंस्टॉलमेंट का टाइम आता था ना, तो जो भी अब हमारे शेयर होल्डर हैं, अब दे हैव बिकम अवर शेयर होल्डर, पहले एप्लीकेंट थे, नाउ दे हैव बिकम शेयर होल्डर, तो व्हाट वी यूज टू डू, हम उनको चिट्ठी लिखते थे कि भाइयों बहनों पैसे भेजो, कठिन मैं कोई पैसे भेजो, तो ये जो पैसे भेजो, आप पैसे मांग रहे हो, दैट मीन्स यू आर मेकिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, तो आपको उनसे अब पैसे लेने हैं, तो किससे लेने हैं, अरे भाई किससे लेने हैं, अरे वो ग्रुप ऑफ पीपल है ना
जिनको हमने शेयर अलॉट किए हैं उनसे पैसे लेने हैं, तो उसके लिए एंट्री क्या होगी? उन ग्रुप ऑफ पीपल को हम बोलेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंटेबल। क्या कहेंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंटेबल टू शेयर कैपिटल, ठीक है, टू शेयर कैपिटल, जितना भी हमको चाहिए। शेयर अलॉटमेंट डेबिट क्यों कर रहे हैं वो भी समझ लो, क्योंकि हमें पैसे उनसे लेने हैं। जिससे भी पैसे लेने हैं उसका अकाउंट क्या करते हैं मेरे को बताओ, उसका अकाउंट डेबिट करते हैं, तो डेबिट कर दिया और शेयर कैपिटल में क्रेडिट भी कर दिया, पहले ही क्रेडिट कर दिया, मिलने से पहले क्रेडिट कर दिया, ठीक है, ऐसा किया जाता है। और जब वो मिल जाता है तो एंट्री क्या हो जाती है? बैंक अकाउंट डेबिट। अब शेयर कैपिटल को तो आप ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हो, अब बस आपको शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट करना है, तो अब शेयर अलॉटमेंट भी आपका क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। अब आपका अकाउंट क्या एंट्री, अल्टीमेट एंट्री क्या हो गई? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां पे भी वही हुई और यहां पे भी वही हुई, आया ना? उसके बाद फिर से चिट्ठी लिखनी है फर्स्ट कॉल के लिए, तो फिर फर्स्ट कॉल के लिए फिर से हम चिट्ठी लिखेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, अगर मानते हुए कि यही फाइनल है, अकाउंट डेबिटेड। फिर से ये ग्रुप ऑफ पीपल जो फाइनल कॉल के लिए बचे हैं मतलब जिनसे भी पैसे लेने हैं, है ना, तो उनको फिर हम चिट्ठी लिखेंगे, भाइयों पैसे भेजो, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, ठीक है। और फिर अल्टीमेटली जब मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो अगेन ये और ये आप देखोगे फिर से क्लोज हो जाएगा, एंट्री क्या बची? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। क्लियर है ये बात, है ना? तो मेरे ख्याल से ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। ये डिटेल में इसलिए जा रहा हूं कि इन केस कहीं भी थोड़ी गुंजाइश है कि एग्जाम में आप गलती करें या कोई इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन या कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए तो आपको बनना चाहिए, ठीक है। चल अब शेयर कैसे इशू किए जा सकते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा है। शेयर एट पार इशू किए जा सकते हैं। एट पार मतलब हर एक शेयर की एक फेस वैल्यू होती है ना। जैसे कि हर एक प्रोडक्ट की एक एमआरपी होती है ना। एमआरपी मतलब उसका एक प्राइस है, फिक्स है ना, ये प्राइस है। वैसे ही शेयर की भी एक फेस वैल्यू होती है, मगर प्रोडक्ट्स के केस में क्या होता है कि आप उस एमआरपी से ऊपर पे नहीं बेच सकते हो, मगर शेयर के केस में आप उसको उससे ज्यादा पे बेच सकते हो। तो जब हम हमारी फेस वैल्यू पे ही इश्यू करते हैं तो उसको कहते हैं इश्यू एट पार, और जब हम फेस वैल्यू से ज्यादा पे इश्यू कर रहे हैं वी कॉल इट एट प्रीमियम। प्रीमियम शब्द साफ साफ समझ में आ रहा है, प्रीमियम पे चीजें बिक रही हैं, है ना। आप देखेंगे काफी सारी चीजें जब कभी मार्केट में ब्लैक में बिकती हैं तो बोला जाता है कि प्रीमियम पे बिक रही है। हालांकि यहाँ पे उसका मतलब ये नहीं है कि ब्लैक पे बिक रही है, यहाँ पे इसका मतलब है कि फेस वैल्यू से ज्यादा पे शेयर बेचे जा रहे हैं। तो यदि 10 रुपए का शेयर 10 रुपए से ज्यादा पे बेचा जा रहा है, कितने ज्यादा पे बेचा जा सकता है? कितने भी ज्यादा पे बेच दो, कोई मना ही नहीं है, कोई मना ही नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 10 रुपए का शेयर आप 100 रुपए में बेचो, 500 रुपए में बेचो, पब्लिक लेने को तैयार है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। पे अच्छा एक चीज और बता दूं, पहले डिस्काउंट पे इशू करने का ऑप्शन हुआ करता था, मगर पिछले कुछ साल से ये परिवर्तन किया गया है कि नाउ यू कैन नॉट इशू शेयर्स ऑन डिस्काउंट। इसलिए बता रहा हूँ कि इनकेस एग्जाम में आ जाए कैन शेयर बी इशूड ऑन डिस्काउंट, तो आप ट्रू फॉल्स में आ सकता है, तो नहीं कर सकते हैं। पेबल इन लमसम, आप शेयर जो हैं वो लमसम में भी इशू कर सकते हो और इंस्टॉलमेंट में भी इशू कर सकते हैं। चल अब हम सीधे आते हैं क्वेश्चन पे, कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे, ध्यान अच्छे से देना। क्या होता है कि जो टॉपिक पढ़ा हुआ है ना वहां पे हम थोड़े ज्यादा केयरलेस हो जाते हैं और वहीं पे आपके गलती करने की संभावना भी बढ़ जाती है, तो मैं कहूंगा कि आप केयरलेस ना हो, ठीक है। एक मिनट मैं स्क्रीन को,
अब स्टार्ट करते हैं हम। ध्यान देना अच्छे से। हाँ, आपको बनता है मगर आपको फिर भी बहुत अच्छे से ध्यान देना है। कपूर लिमिटेड वॉज फॉर्म विथ ऑथराइज कैपिटल ऑफ 1 लाख, ठीक है। कपूर लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 4,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट इश्यू प्राइस ऑफ 10। द अमाउंट पेबल अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन इज 10। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब। गिव जर्नल एंट्रीज फॉर अबाउट ट्रांजेक्शन। ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड नोट टू अकाउंट। चलो एक छोटा सा ज्ञान मैं आपको दे देता हूँ। शेयर्स जब आप इशू करते हो ना, तो 3 बातें हो सकती हैं। आप जब शेयर इशू कर रहे हैं तो पब्लिक जब सब्सक्राइब करेगी, तो पहला सबसे पहली चीज हो सकती है फुल्ली सब्सक्राइब। फुल्ली सब्सक्राइब मतलब यदि हमने यहाँ पे 4,000 शेयर इशू किए, और ऐसा इत्तफाक क्वेश्चंस में ही होता है, रियल लाइफ में कभी नहीं होता है, कि आपके पास एप्लीकेशन भी एग्जैक्टली 4,000 शेयर का आ जाए। इसको हम कहते हैं फुल्ली सब्सक्राइब। दूसरा, आपने इशू किए 4,000, एप्लीकेशन आ गया 10,000 का या 5,000 का, 4,000 से ज्यादा का, इसको कहते हैं ओवर सब्सक्राइब। उसके बाद तीसरा है, हमने किया 4,000, हमारे पास एप्लीकेशन आया 3,900 का, इसको कहते हैं अंडर सब्सक्राइब, ठीक है। तो ये फुली सब्सक्राइब है। अब यहाँ पे हमें एप्लीकेशन में ही पूरा पैसा मिल जा रहा है, तो हम यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे वो एक बार देख लो। हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, इक्विटी शेयर है तो आप इक्विटी शेयर लिख देना, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, है ना। आप लिखेंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, मैं यहाँ पे केवल शेयर लिख रहा हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एंड अलॉटमेंट क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि एक ही साथ आप पूरा पैसा ले रहे हैं, इसीलिए। तो यहाँ पे 4,000 × 10 कितना हो जाता है, 40,000, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, सीधे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करेंगे, फिर क्या लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे, ठीक है ना। मगर मैं यहाँ पे शेयर कैपिटल ही लिख रहा हूँ, आप इक्विटी शेयर कैपिटल ही लिखेंगे। अगर प्रेफरेंस शेयर हैं तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। एग्जाम में नरेशन वगैरह सब लिखना पड़ेगा आपको, ध्यान रखिएगा इसका। अब ये तो हो गई एंट्री, मगर यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट एंड नोट टू अकाउंट। तो बेटा, आपको बैलेंस शीट और नोट टू अकाउंट का फॉर्मेट बहुत अच्छे से आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार फॉर्मेट दिखा देता हूँ बैलेंस शीट का। तो ये आप देख सकते हैं, 3 कॉलम्स हैं, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर एंड अमाउंट, बैलेंस शीट एस एट जो भी डेट होगी हम लिखेंगे। अब पर्टिकुलर्स में देखिए क्या क्या लिखा है। सबसे पहले लिखा है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर क्या आ रहा है, शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर्स फंड के अंदर क्या आ रहा है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। रिपीट कर रहा हूँ मैं, ये सारा का सारा तुरंत के तुरंत आपको अगर याद नहीं है तो याद हो जाना चाहिए, ठीक है। मेन हेडिंग क्या है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। सब हेडिंग उसकी क्या है, शेयर होल्डर्स फंड। उसकी सब हेडिंग क्या है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, राइट। उसके बाद आइए एसेट्स में। पूरी बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं आती है, एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए आता है, मतलब जो हमारे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो दी हुई है क्वेश्चन में, वो ही हमको बैलेंस शीट में पुट करके शो करना रहता है। तो यहाँ पे एसेट्स देख सकते हैं, नॉन करेंट एसेट, फिर करेंट एसेट। करेंट एसेट में आप देख सकते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये क्लियर है, ये दिमाग में बैठ गया। सबसे पहले क्या है बोलो, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। उसके नीचे क्या है, शेयर होल्डर फंड। उसके नीचे क्या है, शेयर कैपिटल। उसके नीचे क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद एसेट्स में आ जाओ, तो एसेट्स में आप देख सकते हैं नॉन करेंट एसेट, फिर करेंट एसेट, ठीक है। अब मैं आता हूँ नोट टू अकाउंट पे। तो अब आप नोट टू अकाउंट देखिए, नोट टू अकाउंट शेयर कैपिटल का बहुत अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए, कोई गलती नहीं। सबसे पहला आएगा इसी ऑर्डर में, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल के नीचे कितने इक्विटी शेयर्स हैं और एक शेयर कितने का है, ये इंफॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट?
ठीक है, सब याद करते जाइए, बाद वाला काम नहीं है कुछ भी, अभी के अभी। फिर आइए इशूड शेयर कैपिटल, उसमें भी आपको नंबर ऑफ शेयर्स और एक शेयर कितने का है वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद आइए, अच्छा यहाँ पे क्या आता है, फेस वैल्यू आती है, ध्यान रखिएगा कौन सी वैल्यू आती है, फेस वैल्यू। प्रीमियम वाला अमाउंट यहाँ पे नहीं आता है ना, मैं एग्जाम हॉल में बैठ के कंफ्यूज हो रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। फिर आइए सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में अगेन दो बातें हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में मतलब आपको, आपने मांगा भी और आपको मिल भी गया पूरा। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में आपने अभी तक पूरा मांगा ही नहीं है, आगे देखेंगे, आप कंफ्यूज नहीं होइए, हर प्रकार के क्वेश्चन हम देखेंगे। और फिर नीचे आ जाता है रिजर्व एंड सरप्लस में, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व और कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो एक बार फटाफट एक बार देख लेते हैं, आंखें बंद कीजिए और बैलेंस शीट में क्या क्या है एक बार बोलिए। बैलेंस शीट में सबसे पहले हमने क्या देखा, ऊपर हेडिंग डाली, कितने फॉर्मेट में कॉलम है, तीन, पर्टिकुलर, फिर उसके बाद है नोट, और उसके बाद आ जाता है अमाउंट। ठीक है, हेडिंग सबसे बड़ी क्या है, सबसे मेन हेडिंग है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उसके नीचे आता है शेयर होल्डर फंड, उसके बाद आता है शेयर कैपिटल, उसके बाद आता है रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, उसके नीचे आते हैं अपन एसेट्स में, तो आपके एसेट में आ जाते हैं नॉन करेंट एसेट एंड करेंट एसेट। नोट टू अकाउंट्स में आइए, तो क्या क्या आएगा, सबसे पहले ऑथराइज शेयर कैपिटल, उसके नीचे कितने शेयर्स हैं और एक शेयर की कीमत कितनी है वो भी लिखना पड़ेगा, उसकी फेस वैल्यू क्या है। फिर उसके बाद इशूड शेयर कैपिटल, उसमें भी ऐसे ही रहेगा। फिर उसके बाद आता है सब्सक्राइब, सब्सक्राइब के दो हेड्स हैं, उसके नीचे क्या है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। उसके नीचे आता है आपका SPR आता है और कैपिटल रिजर्व आता है। क्लियर है, तो अब सबसे पहले आप इस लेक्चर को यहीं पे पॉज कीजिए और फॉर्मेट बनाइए, ठीक है, उसके बाद ही आप इसको कंटिन्यू करेंगे। फॉर्मेट बहुत अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है मैं देखता हूँ अक्सर स्टूडेंट्स को। चलो, तो अब मैं यहाँ पे यही इंफॉर्मेशन को किस तरीके से बैलेंस शीट और नोट टू अकाउंट में पुट करना है वो देख लेते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पे शेयर कैपिटल कितना है, ये बस आप देखो शेयर कैपिटल कितना है, 40,000 है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ये शेयर कैपिटल है ना, ये 40,000, और यहाँ पे मैं नोट नंबर डाल दूंगा 1। नोट नंबर क्यों डाला, क्योंकि ये शेयर कैपिटल में क्या क्या है उसकी इंफॉर्मेशन हमको वहां पे नोट टू अकाउंट्स में देनी पड़ेगी। और यहाँ पे आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो कितना है, 40,000, उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है हमको। ठीक है, ये हो गया आपका बैलेंस शीट। अब मैं आता हूँ सीधे किस पे, नोट टू अकाउंट्स पे। तो नोट टू अकाउंट्स में आप देखिए, सबसे पहले आपको ऑथराइज कैपिटल, तो ऑथराइज कैपिटल ध्यान देना क्या क्या लिखना है, कितने शेयर्स हैं और एक शेयर की कीमत कितनी है। तो यहाँ पे कपूर लिमिटेड वॉज फॉर्म विद ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹1,00,000 है, तो 1,00,000 एक शेयर की कीमत कितनी है, 10, तो डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे तो 10,000 शेयर्स आ गए, आया ना। आपको ये भी तो पता करना है ना कितने शेयर्स हैं, तो 10,000 शेयर है क्योंकि एक शेयर की कीमत ₹10। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, तो ये हो जाता है कितना, ध्यान देना, ये हो जाता है 1,00,000। ठीक है, और ये आपने डबल लाइन ड्रॉ कर दिया, इसको यहीं क्लोज कर दिया ऑथराइज कैपिटल को। इशूड में 4,000 आप इशू कर रहे हैं, एक की कीमत है 10, कितना हो जाता है यहाँ पे, 40,000, आया ना। ठीक है, ये भी हो गया। अब क्या आपने 4,000 शेयर जो इशू किए थे वो पूरे के पूरे सब्सक्राइब हो गए क्या, देखो हो गए ना सब्सक्राइब, पूरा पैसा था इशू और फुल्ली सब्सक्राइब, और ये पैसा हमको मिल भी गया। ठीक है ना, ये मैं मान रहा हूँ लिखा नहीं है वैसे इशू, हाँ तो क्योंकि एप्लीकेशन के साथ ही था ना ₹10, और फुल्ली सब्सक्राइब है मतलब हमको पूरा पैसा मिल गया। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, तो अगेन यहाँ पे मैं यही लिखूंगा, 4,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each, तो ये अमाउंट हो जाता है कितना, 40,000, बस डन, सिंपल है ना। हाँ, हालांकि ये क्वेश्चन ही सिंपल है, आगे देखेंगे, आगे थोड़ा सा हो सकता है, अभी नहीं, अगले आने वाले लेक्चर्स में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, रणवीर कॉर्पोरेशन लिमिटेड वॉज फॉर्म विद ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹10,00,000। ठीक है,
रणवीर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इशूड 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट प्रीमियम ऑफ ₹2 पेबल अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन, ऑल द शेयर्स व अप्लाइड एंड ड्यूली अलॉटेड। ठीक है, ध्यान देना। पास जनरल एंट्री, नेसेसरी जनरल एंट्री देन ऑल्सो शो द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये बेटा तभी करते हैं जब आपको पूरे पैसे एक साथ मिल रहे हैं एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो आपको कितने मिल रहे हैं, ₹10 और ₹2, तो कितना हो गया, ₹12। ₹12 और कितने शेयर्स हैं, 40,000। 40,000 इंटू 12 हो जाता है 4,80,000। 4,80,000। ठीक है, फिर अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ध्यान देना आप अच्छे से, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू, ध्यान देना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये 40,000 में से 40,000 शेयर जो हैं, इसमें ₹10 आपका आ रहा है शेयर कैपिटल का और ₹2 आ रहा है प्रीमियम का। तो जो पैसे हमारे कैपिटल के लिए आते हैं, मतलब ये जो फेस वैल्यू के लिए आ रहे हैं, दिस विल गो टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड दिस विल गो टू द प्रीमियम अकाउंट। कौन सा प्रीमियम, इसको हम बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। क्या कहते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ये अलग हेड में जाएगा, आप बैलेंस शीट में देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रिजर्व एंड सरप्लस है, तो ये रिजर्व एंड सरप्लस उसी के लिए है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, 4,80,000। ठीक है, टू यहाँ पे मैं लिखूंगा इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 4 लाख। 4 लाख कहाँ से आया, ये 40,000 इंटू 10 और 2 SPR। आपको एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ SPR मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 40,000 इंटू 2, दैट इज हाउ मच, 80,000। ये भी यहाँ पे ऐसा मैं बता रहा हूँ, आपको करना नहीं है, है ना। तो ये हो गया बस। अब बात आती है कि इसको किस तरीके से बैलेंस शीट में हम शो करेंगे। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ, देखो ये शेयर कैपिटल है 4 लाख और ये SPR है 80,000। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये आप देख सकते हैं शेयर कैपिटल 4 लाख, SP और ये रिजर्व है 80,000। तो ये नोट नंबर 1 और ये नोट नंबर 2 और ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाता है 4,80,000। ठीक है, तो ये आपका 4,80,000। ठीक है, ये हो गया और यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 4,80,000। हाँ, अब आओ सीधे नोट टू अकाउंट्स पे। तो नोट टू अकाउंट्स में अगेन आपको क्या करना है, पहले देख लो एक शेयर ₹10 का है, कितने शेयर्स हैं, ये कैपिटल जो दिया हुआ है ना, इसको फेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है 10 + 2 = 12 से डिवाइड, नहीं, 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 कितना हो जाता है, 1 लाख। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा बताओ, यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 लाख शेयर्स हैं, एक शेयर की कीमत बोलो कितनी है, ₹10, तो कितना हो गया यहाँ पे, 10 लाख। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इशू कितना कर रहे हैं, 40,000 शेयर, तो 40,000 यहाँ पे भी बेटा फेस वैल्यू क्या आएगी, 10, तो कितना हो जाएगा, 4 लाख। ठीक है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड, हाँ भाई हाँ, सब्सक्राइब एंड फुली पेड है, तो 4,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each, तो कितना हो जाता है, सॉरी 40,000 है, 4,000 नहीं है, तो ये अगेन वही है 4 लाख रुपीज। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब आपका बचा है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, तो यहाँ पे 40,000 इक्विटी शेयर्स विथ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर, लिख देना है पर शेयर, तो कितना हो जाएगा, 80,000।
थाउजेंड। ठीक है, हो गया, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सारे खुद से एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा आप लोग, सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलो। धोनी लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ कितना? 10 लाख इन शेयर, ये रुपीज होगा। धोनी लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख इन शेयर ऑफ रुपीज 20 ईच। इट इन्वाइटेड एप्लीकेशन ऑफ 50,000 शेयर। ओके, ठीक है ठीक है। 50,000 इंटू 20 कितना होगा? ये हो जाएगा आपका, ये तो 10 लाख हो जाएगा। मतलब जितना रजिस्टर्ड कैपिटल था पूरा का पूरा इन्होंने इशू कर दिया। ठीक है भाई। द अमाउंट इज पेबल एज 5 ऑन एप्लीकेशन, 10 ऑन अलॉटमेंट, 5 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। द होल ऑफ अबाउ इशू वॉज अप्लाइड फॉर एन अमाउंट, गिव द जनरल एंट्रीज फॉर अबाउट ट्रांजेक्शन। तो उसमें तो कुछ नहीं है, चलो फिर भी देख लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, क्या लिखना है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है ना, तो 5 × 50,000 कितना हो जाता है? 2,50,000, राइट, 2,50,000। ठीक है, फिर क्या करना है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल कितना? 2,50,000। कोई दिक्कत नहीं है यार, सिंपल है ये तो बिल्कुल। ठीक है, फिर क्या करना है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल कितना है? ये हो जाएगा 5 लाख। ठीक है, 5 लाख। हाँ, फिर उसके बाद है शेयर, सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना? 5 लाख। ये तो बनता होगा आपको, मतलब इसमें अगर आपने 12th थोड़ा सा पढ़ा होगा ना, तो मेरे ख्याल से कहीं कोई भी दिक्कत यहाँ पे तो नहीं आनी है। फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल कितना है? 2,50,000। ठीक है ना, फिर उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है, 2,50,000। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत किसी को नहीं होगी। अब बात आती है कि इसको किस तरीके से हमको पोस्ट करना है। तो एक चीज आप देख लो, यहाँ पे एक चीज सीखने वाली ये है कि आप देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन है, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल है। तो देखा जाए तो ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्लोज हो गया ना, 2,50,000 क्रेडिट फिर डेबिट, शेयर अलॉटमेंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट, फर्स्ट कॉल डेबिट, फर्स्ट कॉल क्रेडिट। तो बचा क्या? बचा यही बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, है ना। यहाँ पे भी देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यही तो बचा। तो अगर आप देखोगे तो बैंक में आ गया कितना? 250 एंड 5, कुल मिला के कितना हो जाता है? 10 लाख। और शेयर कैपिटल में भी कितना होता है? 10 लाख, है ना। तो अल्टीमेटली कुछ भी करो, अंत में तो यही हो रहा है, अगर पैसा बराबर मिल जाता है तो। अब बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे? तो मेल को नहीं लगता है कि आपको मेल को बताने की जरूरत है, अब इतना तो आप खुद ही कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 10 लाख रुपए लिख दिया और यहाँ पे भी मैंने 10 लाख रुपए लिख दिया, ये हो गया। और फिर आ जाओ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो कितना है, ये भी सब आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, यहाँ पे ध्यान देना आप लोग क्या कहता है क्वेश्चन, चलो अच्छे से पढ़ते हैं। आप चाहें तो खुद से ट्राई कर सकते हैं यहीं पे पॉज करके, और अगर आपको लगता है देखना है तो देख लो। On 1st April 2020, Mayank Limited was formed with an authorized capital of rupees 25 lakh divided into 50,000 shares of 50 each. The company issued prospectus inviting application for 45,000 equity shares. The issue price was payable as under. Application पे 15, allotment पे 20 और बाकी है balance amount. तो balance कितना हो जाएगा? 50 रुपए का एक share है, 15, 20, 35, 35, तो ये बचा 15. The issue was fully subscribed and company allotted shares to all the applicants. The company did not make the call during the year. थोड़ा अलग है यहाँ पे, हाँ? Show the following share capital in the balance sheet of revised schedule 3 of Companies Act. Also prepare notes to accounts for the same. तो अभी क्या करना है, ध्यान दो। सबसे पहले तो आपको पैसे मिल रहे हैं application के, तो क्या लिखेंगे? Share application, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो अब यहाँ पे कितने
आपने इनवाइट किया 45,000, ऑल फुली सब्सक्राइब हो गया है, तो 45,000 × 15, ठीक है ना, 45,000 × 15, तो ये आ जाता है 6,75,000, 6,75,000, राइट है। फिर क्या करना है, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, कितना अमाउंट है 675, 675। फिर उसके बाद है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना अमाउंट है 20 × 45,000, ये हो जाता है 9 लाख रुपए, 9 लाख रुपए। और अब ध्यान दो, ये पैसे आपको मिल गए शेयर अलॉटमेंट, ठीक है, कितना 9 लाख रुपए आपको प्राप्त हो गए भाई, बहुत अच्छी बात है। और ये हमने कॉल तो अभी किया ही नहीं है, इसी के बाद आपको बैलेंस शीट बनानी है। अब कैसे बैलेंस शीट बनाएंगे, तो बड़ा सिंपल है। बैलेंस शीट में आपको अभी क्या लिखना है, पहले तो ये देख लो, आपको लिखना है दो चीजें, बैंक और दूसरा शेयर कैपिटल। तो बैंक में देख लो कितना कितना डेबिट हुआ है, 675 और ये 9, तो 9 + 675 कितना होता है, 1575 है ना, तो ये हो जाता है 15,75,000। और आपका शेयर कैपिटल में भी इतना ही हुआ है, ये देखो है ना, जितना शेयर कैपिटल है उतना बैंक है। तो चलो हम पहले, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कितना है 15,75,000, ये लो, यहाँ पे भी देखो 15,75,000, कोई दिक्कत है अभी तक, तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा परिवर्तन आ जाएगा यहाँ पे, ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहले आप देखो कितने शेयर्स हैं, 50,000, एक शेयर है 50 रुपए का, तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 50,000 शेयर, एक शेयर की कीमत 50, तो कितना हो गया 25 लाख, ठीक है। वैसे ही इशूड कितना है 45,000, एक की कीमत कितनी है 50, तो 45,000 × 50, तो ये आ जाता है 22,50,000, ध्यान देना आप। अब सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में आपको ये देखना है कि क्या हमारे पास पूरे पैसे आ गए हैं, नहीं आए हैं। अगर पूरे आ गए होते तो फुल्ली पेड में लिखते, नहीं आए हैं तो नॉट फुल्ली पेड में आएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 45,000 × 35, 50 नहीं, इंटू 35 ऐसे नहीं लिखना है, आपको लिखना है 45,000 शेयर्स है ना, ₹35 पेड अप, आई बात समझ में। तो ये 45,000 × 35 ऑब्वियस सी बात है, ये अमाउंट आ जाएगा 1575, आई बात समझ में, क्लियर है, सिंपल है ना। तो ध्यान क्या रखना है, यदि पूरे पैसे मिल जाते हैं तो हम यहां लिखेंगे, पूरे नहीं मिलते हैं तो यहां लिखेंगे, क्लियर है। आगे और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे है ना, तो ये सारी चीजें और अच्छे से क्लियर होती चली जाएंगी आपको। तो यहीं पे मेरे ख्याल से मैं खत्म करता हूं, एक बार आप खुद से ये सारे बैलेंस शीट नोट टू अकाउंट जरूर बनाओ, प्रैक्टिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। चलो बाय बाय।